हेलो एवरीवन नमस्ते कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैंने अभी अपना फ़ेस भी क्लीन नहीं किया जैसे कि मुझे अब गंदी आदत पड़ चुकी है कि मुंह भी नहीं धोना है सबसे पहले बस कैमरे के सामने खड़े हो जाना है बस एक गलत हैबिट है बट अभी मैं जाऊँगी फेस क्लीन करूँगी अपना तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मम्मी ने यहाँ पर अभी वो क्या शायद वो मरजते हैं शायद वो क्या मैं आपको बताती हूँ कल मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मरजते एक्चुअली मैं सो ही रही ना मुझे पता ही नहीं लगा कब जैसे मम्मी ने कर दिया तो मम्मी ने बनाई है भिंडी घी शक्कर और दो एप्पल रखे हैं पैसे रखे हैं दक्षिणा में और कुछ चपातियाँ रखी है उसको ढक के रखा है और जब पंडित आएंगे तो वो साथ में ले जाएंगे अपने साथ तो अब हमने खाना वूना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं खेत आज बहुत ही ज़्यादा गाँव में भी धुंध जैसी है बट क्या करे मक्की तो लाने ही पड़ेगी तोड़ के और आज मैं मक्की भून के भी खाऊंगी याद आया मुझे एक बात है ना तो चलो फटाफट से चलते हैं खेत की ओर क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट भी कर दिया मैंने अपना फेस भी क्लीन कर दिया है और अपने बाल भी पार दिए मतलब बाल भी मतलब बाल में गुथ भी कर दिया बाल पार ना बोलते हमारी मम्मी आवाज़ डाल रहे हैं मुझे तो चलो चलते हैं हाँ जी मम्मी और अब हम जा रहे हैं खेत की ओर और, और गांव की रास्ते कुछ इस तरीके के होते हैं सबके ऐसे ही होते हैं रास्ते जहाँ तक मुझे लगता है और बहुत ही ज्यादा फॉग ही फॉग है सुबह के टाइम पे बहुत ही ज्यादा धुंध पड़ी हुई पर जब हम खेत पहुंचे तो मुझे सच में गर्मी लग गई थी और मैं आपको फॉग दिखा रही थी अभी आप ऊपर से देखना नीचे को मेरे घर की ओर और... तो आज बहुत ही ज्यादा फॉग ही फॉग है भगवान करे मौसम ऐसा ही रहा बारिश ना आए तो यहाँ पर ये हमारे खेत तो है नहीं बट ये ऐसे गांव वाले लोगों के खेत है तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी मतलब कैसे मक्की लगाई है वैसे मक्की लगाने का ना यार मतलब कई बार ना नुकसान हो जाता है ढल जाती है मक्की क्योंकि कुदरत प्रकृति क्या हो जाता है किसको क्या पता है कुदरत क्या कर दे और देखो कितना अच्छा मौसम है मुझे बहुत अच्छी लगती है दान बढ़िया ना टिम्बर के दानतुन बेस्ट टूट गया और हम आए मक्की खेत में और मम्मी बैठे बैठे यहाँ पर उसके बाद तो मक्की छीन लिया हमने जो मेरा दानतुन वाला था उसको तो अवॉइड ही करना सच में मैं ऐसी हरकत ही कर रही थी ना और यहाँ पे पापा मक्की छील रहे हैं और मैं भी छील रही थी मक्की मैंने भी हमने दोनों ने मैं और वापस शर्त लगाती है कौन पहले जल्दी जल्दी करेगा हमारे से पहले तो अभी हमने एक बोरी मतलब कि बिल्कुल कर दिया ख़त्म और मम्मी काट रहा है और मैं और पापा छीलने का काम कर रहे हैं मक्की छीलने का काम कर रहे हैं एक बोरी यहाँ एक वहाँ है दो बोरियाँ गियाँ हमने आज के लिए और ये देखो इतना खेत बचा है अभी पल्ली तरफ को भी है काफ़ी तो चलो कर लेते हैं पहले धूप भी है ही थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी है वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो बादल है नहीं तो नहीं हो था इतना काम और पापा ने ना मुझे कड़वा खीरा दिया पता है आपको मैं भी खा रही थी पहले तो मुझे ठीक लगा बट बाद में वो इतना कड़वा था ना नीचे से मतलब तो छोटा सा खीरा तोड़ के दिया अभी मेरा रिएक्शन देखना आप जरा मतलब मैंने ना पापा को लिटरली ऐसे करके देखा ना ऐसी लुक दी ना मेरे पापा को मेरे पापा ये क्या दिया मुझे और मैंने फेंक दिया पर वो उसके बाद हमने बोरी तो भर दी है यहाँ पर और अब मैं ले जाऊंगी इसको मैं उठाऊंगी और देखो मेरा रिएक्शन तो अब हम जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है यार सच में सर्वाइव करना इधर तो तो सभी लोग गांव में अपने आंगन में मक्की सुखाते हैं या अपने लेंटर पे मक्की सुखाते हैं मैंने यहाँ पे फेंक दी और ये दाल भी है हमने रखी हुई यहाँ पर और सबसे पहले मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैंने पाँव धोए क्योंकि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे जैसे लग रहा था बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे पाँव मेरे और क्योंकि अपनी सफ़ाई भी ज़रूरी है उसके बाद मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी और मेरे मम्मी को बोला मम्मी जो भी है आप दे दो मुझे खाने के लिए और मम्मी ने यहाँ पर बड़ी मम्मी के घर से लाए थे जब शाद था और भिंडी बनाई थी मम्मी ने और बाकी ये सब्ज़ियाँ थी शाम की तो हम चल पड़ता है ऐसा गाँव में यहाँ जब है बचा हुआ तो वेस्ट क्यों करना खाना तो हमने इसको रख दिया यहाँ पर ये वाला कमरा हमारा ठंडा है इसलिए यहाँ रखते हैं हम तो अब हम खाना खा रहे हैं मम्मी खाना गर्म कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा भूख लगी है क्योंकि खेत से आया है मैं निकालती हूँ मम्मी सबसे पहले तो मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैंने पाँव धोए भी फेस भी नहीं क्लीन किया है खाना खा लेती हूँ बहुत तेज़ भूख लगी है मुझे तो पानी निकाल लेती तो अब मैं दिन में अपने फेस क्लीन किया है मैंने पतंजलि जल से मतलब फेस वॉश से आप कोई भी फेस वॉश ले सकते हो और मैं अपना एलोवेरा जेल लगाऊंगी जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे एलोवेरा जेल और रोज वाटर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे सूट होता है इसलिए और मैं अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे और क्योंकि मुझे पिंपल जैसे हो गए थे जैसे धूप में काम करते हैं तो डस्ट बैठती है हमारे फेस पे बहुत कुछ होता है अगर आप गांव जाते हैं आप कहीं भी जाते हो तो अपने फेस का ध्यान रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए मैं यहाँ पर अपने फेस को अच्छे से वो लगाऊंगी इस पर एलोवेरा जेल उसके बाद मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर बाद और उसके बाद मैं बड़ी मम्मी के घर जाऊँगी पार और थोड़ी देर मैं गप्पे मारती हूँ उसके बाद हम खेत को चले जाते हैं क्योंकि दिन में रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर तो आप काम करते हो घर का काम भी करते हो तो आपको रेस्ट करना रेस्ट लेना तो आधा घंटे का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मैं यहाँ पर अच्छे से मसाज कर रही हूँ जितनी देर आप पाँच दस मिनट अगर आप अच्छे से मसाज करोगे तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा तो मैं जा रही हूँ बड़ी मम्मी के घर मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है ना तो अब हम जा रहे हैं खेत की ओर तो हम शाम के टाइम भी पहुंच चुके हैं खेत में और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पर बिल्कुल बढ़िया सेटअप करके अपना और हमें क्या करना होता है हमें दो बोरियाँ करनी होती है से यार ठीक है इतनी भारी भारी होती है मम्मी काटते रहते हैं और मैं छीलती रहती हूँ कहाँ तो, तो चलो चलते हैं अपने काम पे करते हैं फोकस मम्मी 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 है पीछे शुरू कर दिया आपने काम करना चलो मैं भी लग जाती नहीं तो गाली नहीं पड़ जाएगी से मेरे <laughs> और अब हम वापस खेत में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मैं मक्की छील रही हूँ और आप देख सकते हो मेरी स्पीड देख सकते हो आप कितनी है मेरी फुर्ती बहुत ही फुर्ती लगाई हुई है मैंने बट मैं इतनी फास्ट फास्ट कर नहीं रही थी ये मैंने टाइम लैप्स पे बनाई है वीडियो इसलिए आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है और कुछ इस तरीके से हमारे मक्की छिलते हैं और उसके बाद इतनी सारी मक्की हो जाती है फिर उसको बोरी में भरते हैं फिर बोरी बांधते हैं उसके बाद सर पे उठाते हैं और उसके बाद हम घर पे जाके छोड़ते हैं उसको फिर लेंटर पे सुखाते हैं बहुत काम होता है यार अनाज उगाना बहुत मुश्किल है अब हम खेत से तो आ गए अब क्या करते हैं खाना खुना बना लेते हैं और सबसे पहले मम्मी ने मुझे, मुझे जो काम दिया है चल फटाफट से आग जला मुझे आग जलानी पड़ेगी अभी तो अब बैठ जाती पहले तो और आग जला लेती हूँ फटाफट से नहीं तो मम्मा आया ना तो मम्मी से गालियाँ पड़ जाएगी और गांव में काम होता है यार बहुत ज़्यादा काम होता है अब क्या करें करना पड़ता है गांव के लोग भी तो इतना काम करते हैं हम भी तो काम करते भाई ये कुल्ली नहीं भाई जान है मेरे मम्मी तो अब मैं फटाफट से आग जला लेती हूँ और उसके बाद मैं ना मक्की लेके आई हूँ और मुझे पता नहीं है कि ये थोड़ी पक्की है कि कच्ची है वैसे तो मुझे नॉलेज है इतनी सी थोड़ी बहुत तो पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्की है ये पक्की नहीं खाते कच्ची कच्ची पक्की खाते हैं थोड़ी तो इतना सही भूनना पड़ेगा मुझे इतना सही खा सकती हूँ मैं आज चलो मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ और आग जला लेती हूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ तो मेरी आग तो जल चुकी है और मैं मक्की भी भून रही हूँ छोटी जैसी और उसके बाद मैं पूजा करूँगी और आप भी दर्शन कर लो मेरी छोटी सी मंदिर की गांव में भी मैं पूजा करती हूँ गांव में या कि आया हर जगह पर अगर आप कहीं भी जाते हो तो जोत जगाना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और उसके बाद पूजा करने के बाद हमने खाना वगैरह खाया और उसके बाद मैं मम्मी की हेल्प कर रही थी यहाँ पर बर्तन वगैरह धो रही थी क्योंकि थोड़ा सा मम्मा को भी हेल्प हो जाता है एक दो दिन के लिए आए होते हैं तो फिर मम्मी को भी सहारा हो जाता है फिर इसलिए मम्मा भी कर रहे थे कुछ मम्मी कल के लिए तैयारी कर रहे थे हाँ मालपूड़े बनाने मम्मी ने इसलिए और यहाँ पर मैं बर्तन धो रही मैं कह चलो मैं बर्तन धो देती हूँ तो फटाफट से मैंने भी बर्तन धोए अगर आप भी मिल बांट के काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है यार और एक के ऊपर भी क्यों बर्तन डालना है यार मम्मा इतना काम करते हैं किसी के लिए भी सबके लिए मैं एक मतलब बात रख रही हूँ मैं और यहाँ पे मैंने फटाफट -फड़ से बर्तन धोए और उसके बाद हम रेस्ट करेंगे क्योंकि सारा दिन बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं उसके बाद मैंने अपना मैं ब्रश कर रहा मैंने और अब मेरे दांत देख सकते हो आपको मैं दांत दिखा दी दिखा रही हूँ अपने और मेरा थोड़ा फेस गिला था और अगर आपके चीक्स पे मतलब बाल है तो अगर आप उसको टाल की मदद से ऊपर को ऊपर की और रब करेंगे तो आपको मतलब कि वो हट जाएंगी वो ग्रोथ कम हो जाती है और पीछे को हट जाती है वो ग्रोथ मैंने ऐसा सुना है हमारे बुज़ुर्ग ऐसा बोलते हैं और उसके बाद मैंने इधर अच्छे से अपना फ़ेस क्लीन किया मैं रोज़ वाटर लगाऊंगी अपने फेस पे क्योंकि वो टोनर का काम करता है रोज़ वाटर और मैं अच्छे से तो अपने फेस पे रो रोज़ वाटर लगाऊंगी आप टैप टैप करके भी लगा सकते हो कॉटन की मदद से भी लगा सकते हो मैं तो टैप टैप करके ही लगाती हूँ मुझे कॉटन मतलब मैं नहीं लगाती कॉटन से मुझे अच्छा लगता है जितना मुझे चाहिए होता है मैं थोप के लगा लेती हूँ अपने फेस पे एकदम से और उसके बाद मैं अपने डार्क सर्कल्स पे लगा रही हूँ अपने फेस पे लगा रही जहाँ मुझे पिंपल है वहाँ लगा रही हूँ क्योंकि ये आपके जो डर्ट होता है उसको निकालता है और आपका फेस बहुत ही ज़्यादा क्लीन और ब्राइट बनाता है इसलिए मतलब मुझे अच्छा लगता है रोज़ वाटर और अगर आपको सूट होता है रोज़ वाटर तो ज़रूर आप इसको यूज़ करें तो मैं इसको अच्छे से मैं तो सोचती हूँ मैं बार बार लगाती ही रहूँ मेरी ये जो बॉटल है ये एक मंथ में ख़त्म हो जाती है पूरी की पूरी तो बस इतना ही किया मैंने जो भी काम किया सारा दिन आप अपने लिए भी टाइम निकाले आप जो भी काम करते हो आप कुछ भी कर रहे हो तो उसके अपने लिए ज़रूर टाइम निकाले आप तो मेरा फेस तो हो गया चकाचक चक। तो आज की वीडियो इतनी ही थी आई होप आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरे ब्लॉग्स थोड़े से भी पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करे कमेंट करें शेयर करें और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दे जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए तो चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखिए कल मैं आपके सामने फिर से आऊँगी नई वीडियो के साथ नए आइडियाज़ के साथ अभी तो मैं कुछ दिन गाँव ही हूँ दो तीन दिन, दिन तक तो आपको गाँव के ही ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आई uh, होप आपको जो ये नई चीज़ें हैं कुछ कुछ पसंद आती होगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या चीज़ें आप गाँव में देखना चाहते हैं तो चलो ठीक है बाय बाय टेक केयर अपना ध्यान रखे टेक केयर गुड नाइट Sweet dreams.